हेलो एवरीवन, ये 24 नंबर क्वेश्चन ले रहा है मैं काइनेमेटिक्स चैप्टर का बुक कैसे करवा से। क्वेश्चन है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बैलून गोइंग अप एट अ स्पीड 7 मीटर पर सेकंड। इफ द बैलून वाज एट हाइट 60 मीटर एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द बॉल, हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक इन रीचिंग द ग्राउंड। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि एक बैलून है, इस तरह से ये बैलून जा रहा है 7 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है ये, ठीक। और इसमें नीचे एक बैलून में होता है, ये नीचे इसमें कुछ भी रख सकते हैं, आदमी भी रख सकते हैं, आदमी रहता है इसमें। तो इससे एक बॉल फेंका गया, बॉल गिराया गया। हाँ, ड्रॉप फेंकना और ड्रॉप करना में बहुत अंतर है। ड्रॉप करना मतलब कि उसको कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया गया, मीन्स जो फेंका उसके तरफ से कोई भी वेलोसिटी उसको नहीं दिया गया। मीन्स अगर यहाँ से मैं सपोज यहाँ पे मैं था यहाँ पे और मैं इसको फेंक दिया, तो ड्रॉप किया मीन्स कि इसको मैं अपने तरफ से कुछ ही वेलोसिटी नहीं दिया, सिर्फ इसको बस गिरा दिया, ठीक है। तो ठीक है, अगर ये बैलून अगर चल नहीं रहा होता, अगर उड़ नहीं रहा होता ये, तो इसका जो इनिशियल स्पीड होता वो जीरो होता। अगर कोई मैं छत पे खड़ा हूँ और यहाँ से बॉल में गिरा देता हूँ, ड्रॉप करता हूँ, और लिखा हुआ इस तरह से कि ड्रॉप किया गया बॉल को, मीन्स इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, इसको जस्ट वहाँ से छोड़ दिया गया। तो यहाँ भी जस्ट इसको छोड़ दिया गया, मीन्स जो फेंकने वाला था, जो ड्रॉप करने वाला था, उसके तरफ से कुछ भी इसको वेलोसिटी नहीं दिया गया। बट होता ये है कि अगर कोई भी चीज़ मूविंग हो, कोई कार मूविंग हो, ट्रेन मूविंग हो, कुछ भी मूविंग हो, और उसे कोई भी चीज़ हम गिराते हैं नीचे, कुछ भी गिराते हैं, उसका वेलोसिटी वही होता है और उसी डायरेक्शन में होता है जिस तरफ की वो मूव कर रहा हो। सपोज ये एक कार है, इस तरह से एक कार है, और कार वी वेलोसिटी से जा रहा है, और इससे हम कोई चीज फेंकते हैं, उसका जो चीज फेंकते हैं वो तो ऑलरेडी वी से जा ही रहा था। सड़क के रिस्पेक्ट में, रोड के रिस्पेक्ट में, अगर ये रोड है और इस पर कार चल रही है और कार वी वेलोसिटी चल रही है, तो बोतल जो है पहले कार में था, कार चल रहा है वी वेलोसिटी से, बोतल भी चल रहा है वी वेलोसिटी से, उसको हम नीचे गिराते हैं, तो उसमें उसका जो वेलोसिटी वो भी रहेगा ही, और वो उसी डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में कि उसका कार, जिस डायरेक्शन में वो पहले उसका मोशन था, मीन्स जिस डायरेक्शन में कार है। तो अगर इससे हम कोई बॉल नीचे गिराते हैं, तो बॉल का वेलोसिटी भी 7 मीटर पर सेकेंड ऊपर ही होगा, क्योंकि बॉल भी कभी इसी का पार्ट था। जैसे अगर कोई बॉम्ब है, अगर बॉम्ब है इस तरह से, ये विस्फोट होता है तो चारों तरफ जाता है, इसका वेलोसिटी अलग अलग अलग, बट पहले सारे के सारे, इसमें तो मोमेंटम आता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आता है, उसे मास भी लिया जाता है वैसे, तो ये पहले इसी का पार्ट था, जो इसका पार्ट टूट के इधर आया वो भी इसी का पार्ट था। तो यही सोच के यही कॉन्सेप्ट इसी कॉन्सेप्ट भेज देंगे, और क्वेश्चन भी उसी से बनेगा कि ये 7 मीटर पर सेकंड से ऊपर चल रहा था, तो 7 मीटर पर सेकंड से ये भी ऊपर चलेगा। और अगर ये बैलून मोशन में नहीं होता, ये रेस्ट में होता और इसको ड्रॉप किया जाता, तो सिंपल ये वेलोसिटी से नीचे गिरता। बट अब सीन चेंज हो चुका है, हमारा जो बैलून था वो मोशन में था, और यहाँ से बॉल ड्रॉप किया गया तो पहले ही ऊपर जाएगा, क्योंकि इसको ऑलरेडी 7 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे दिया गया है बैलून के थ्रू। बट नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स भी वर्क कर रहा है, मीन्स के नीचे रिटार्डेशन भी है, जो जी के रूप में जो कांस्टेंट है। तो ये क्या होगा, ये वेलोसिटी इधर जा रहा है बट इधर रिटार्डेशन है, तो क्या होगा, ये कुछ देर तक चलेगा, उसके बाद फिर ये यहाँ पे इसका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, और फिर ये घूम के फिर नीचे गिर जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे, क्या क्या करना है। पहले दो तरीके से मतलब बना सकते हैं इसको, एक शॉर्टकट है, बट शॉर्टकट अभी नहीं बनाना चाहिए शुरू में, क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, सिर्फ हम फॉर्मूला पुट करते हैं फॉर्मूला में, फिर आंसर निकल जाएगा, बट उससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो फॉर्मूला यहाँ पे ये बी इक्वल टू माइनस यू जी टी, सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये था कि 7 मीटर पर सेकेंड से ये ऊपर जा रहा था, यहाँ पे 7 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था, नीचे जी वर्क कर रहा था,
तो जी क्या लेंगे हम, जी एच लेंगे रिटार्डेशन, तो यहाँ पे ये ले लेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी क्या था, फाइनल वेलोसिटी हमारा जीरो था, तो टाइम क्या हो जाएगा, वी माइनस यू बाई जी, और वी भी जीरो ही था, तो माइनस सेवन बाई माइनस सेवन 0.7 सेकेंड आ गया। मीन्स इसको यहाँ से सेवन वेलोसिटी मिला, इसको ग्रेविटेशन को, ग्रेविटेशन फोर्स को, इसका वेलोसिटी सेवन मीटर पर सेकेंड को जीरो करने में कुल मिला के 0.7 सेकेंड टाइम लग जाता है, ठीक है। फिर डिस्टेंस निकालेंगे हम, अगर टोटल डिस्टेंस कहा जा रहा निकालने के लिए, तो ये उस 0.7 सेकंड में कितना डिस्टेंस मूव किया ऊपर, तो इससे निकल जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू एस, यहाँ पे एच भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे एस वन ले आऊंगा, एस वन तो फिर यहाँ पे एस वन निकल जाएगा इस तरह से 49/20, ठीक है। और टोटल हाइट निकालना, टोटल हाइट क्या हो जाएगा, टोटल हाइट हो जाएगा ये 6 मीटर, ये 60 मीटर पहले का, और ये डिस्टेंस जो इतना चला इस तरह से, ये वाला डिस्टेंस, तो 60 प्लस इतना जोड़ देंगे वही हो जाएगा, ये टोटल हाइट हो गया। अब क्या है कि टोटल हाइट तक ये पहुंच गया, ठीक, ये टोटल हाइट तक पहुंच गया, बट उसके बाद ये टोटल हाइट पहुंचने के बाद इसको कितना टाइम लगेगा टोटल नीचे गिरने में, इसको यहाँ से, ये यहाँ से चला होगा, इस तरह से गया होगा, इस तरह से गया होगा, ये सॉरी इस तरह से नहीं, मतलब ये है, ये 60 मीटर के ऊपर, तो से तो इसको बलून को ड्रॉप किया गया, तो इस तरह से गया होगा, इस तरह से गया होगा, ये यहाँ से और फिर ये यहाँ से, तो यहाँ से और यहाँ तक हम डिस्टेंस निकाल लिए, तो टाइम निकाल लेंगे हम, ये नीचे गिरने में कितना टाइम लगा इसको, ये वाला टाइम निकाल लेंगे हम, ये टाइम निकल जाएगा कैसे, ये टाइम निकल जाएगा हमारा इस तरह से, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये वाला यूज करेंगे, और यू तो जीरो ही था क्योंकि यहाँ पर आके इसका वेलोसिटी जीरो हो गया, और फिर ये खुद ब खुद ही नीचे गिरने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे यू इक्वल टू जीरो, इसको जीरो कर देंगे और ये नीचे गिरने लगा, ठीक। तो यहाँ पे टाइम निकल जाता है 3.47, मीन्स ये यहाँ से मूव किया, यहाँ से मूव किया और ये फिर नीचे गिरा, तो ये टोटल टाइम हो गया 3.47, ये निकल गया 3.47, बट ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टोटल टाइम कितना था, टोटल टाइम मतलब कि जब वो फेंका तो कुल मिला के नीचे गिरने में से कितना टाइम लगा, तो 3.47 तो ये वाला है, बट इसको ऊपर जाने में भी कुछ समय लगा था, वो कितना लगा था वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे है 0.7 सेकेंड, ठीक। तो अब क्या होगा कि यहाँ से बैलून, यहाँ पे बैलून से गिराया गया इसको, 0.7 सेकेंड इसको यहाँ तक जाने में लगा, फिर 3.47 यहाँ तक जाने में लगा, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया ये टाइम, ये यहाँ से यहाँ तक ये टाइम, फिर यहाँ से यहाँ तक ये टाइम, 3.47 प्लस 0.7 इक्वल टू 4.178, ये आंसर हो जाएगा। अगर जी के जगह पे हम 9.8 लेते हैं, मतलब बुक में लिखा होता है कि 9.8 ले या 10 ले, कुछ भी ले, ये 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर इस तरह से, बट मैं 10 लिया यहाँ पे, मतलब कैलकुलेशन में आसानी होता है इससे, बट आप कुछ भी ले सकते हैं, जी इक्वल टू 9।